खबरों में बात करेंगे अब सोहना की। वन विभाग द्वारा सोहना की करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक से प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में नारे लगाते हुए पहुंचे और एसडीएम के कार्यालय में मौजूद न होने पर गुस्साए लोगों ने एसडीएम के कार्यालय के सामने बैठ गए और अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने काफी लोगों को समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कुछ भी नहीं सुनी और बाकी सब बातें मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे, यहां से नहीं हटेंगे। गौरतलब है कि तोड़फोड़ को लेकर सोमवार को सोहना में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत के माध्यम से लोगों ने अधिकारियों को इस ज्ञापन के लिए पहले ही सूचित कर दिया था लेकिन उसके बाद अधिकारियों के कार्यालय में मौजूद न होने पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वन विभाग द्वारा सोहना की 6 कॉलोनियों में तोड़फोड़ के नोटिस दिए जाने के विरोध में हजारों लोगों ने कस्बे से प्रदर्शन करते हुए सोहना एसडीएम के ऑफिस पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन देना था। यही प्रदर्शनकारी सोहना एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां से एसडीएम महोदय ऑफिस में नहीं मिले जिस कारण गुस्साए लोगों ने कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा आवासीय मकानों को PLPA 1980 व भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना बताकर मकानों को अवैध घोषित कर मकान मालिकों को नोटिस देकर उन्हें खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है जिसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर घर मकान खाली करना होगा। इसको लेकर सोहना में पूरी तरह से आज जो प्रदर्शन किया फिर यहाँ पर क्या हुआ इसको? ये जो एक वन विभाग द्वारा नोटिस देकर सैकड़ों वर्षों से बसे हुए घरों को उजाड़ने की एक सोची समझी योजना के तहत इस शहर को बर्बाद करने की योजना, इसके खिलाफ ये जनता जनार्दन का आक्रोश है और हम लोग कोई किसी तरीके से नहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन पर मकानों के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार कई पीढ़ियां रह चुकी हैं, उन्हें वन विभाग किस तरीके से एक नोटिस देके तोड़ सकता है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और उसी के लिए आज हम सब इकट्ठे होकर अपनी बात रखने के लिए कुछ अधिकारियों तक आए। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पे क्या मामला हुआ? यहाँ पे हमने पहले ज्ञापन देना था इन लोगों की तरफ से, जो नोटिस आए हैं वन विभाग की तरफ से उसका ज्ञापन देना आए थे लेकिन अधिकारियों की हालत ऐसी है, कोई अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे जुलम जाती जनता के साथ क्या हो सकती है? वो अपनी हक रखने के लिए अपनी बात रखने के लिए आज उनके दरबार पाए हैं, खुद चल के दरबार पाए और फिर अधिकारी नहीं ले रहे, इससे घटिया बात सरकार के लिए और अधिकारी के लिए क्या हो सकती है? इससे पहले अधिकारी को सूचित किया गया था या बहुत बड़ी पंचायत हुई थी अग्रवाल धर्मशाला से 4 दिन पहले, उसके माध्यम से मैसेज भी दे दिया गया था, व्यापार मंडल की तरफ से भी पर्सनली फोन करके कहा गया था, उसके बावजूद भी कोई नहीं है, इससे घटिया रवैया और क्या हो सकता है सरकार का? इससे पहले जिस तरह प्रदर्शन की आज शुरुआत हुई है और उसमें अधिकारी मौजूद नहीं, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं उसे तो अफसरों की नाराजगी है, होना चाहिए अधिकारियों को मौके पर। आपने अब क्या फैसला लिया? हम बैठे हैं जब तक अधिकारी नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ धरने बैठे। क्या मामला था पूरा? आज पूरा मामला था जो हमारी धर्मशाला में जो पंचायत हुई थी 3 दिन पहले, उसमें हमने पहले बता दिया कि हम एसडीएम मैडम